कंगना ने नहीं ठुकराई थी ईरान के डायरेक्टर की फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स, दीपिका से भी किया गया था संपर्क। ईरान के फिल्म निर्देशक माजिद मजीदी ने कहा है कि उन्होंने अपनी फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स के लिए कंगना रनौत और दीपिका पादुकोण दोनों से संपर्क किया था, लेकिन बात नहीं बनने से उन्होंने मालविका मोहनन के साथ काम करने का फैसला किया। ईरान के फिल्म निर्देशक माजिद मजीदी ने कहा है कि उन्होंने अपनी फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स के लिए कंगना रनौत और दीपिका पादुकोण दोनों से संपर्क किया था, लेकिन बात नहीं बनने से उन्होंने मालविका मोहनन के साथ काम करने का फैसला किया। मजीदी ने दिए एक साक्षात्कार में कहा, कंगना के साथ हम काम नहीं कर पाए। मैंने उनके आईएफए से कुछ चीजें सुनी जिसने मुझे परेशान कर दिया। अभिनेत्री ने कहा था, मैंने काम करना स्वीकार नहीं किया, यह खबर सही नहीं है। हमने इस खबर की तहकीकात की तो पता चला कि यह बात कंगना ने नहीं बल्कि उनके आईएफए ने मीडिया में प्रकाशित कराई थी। निर्देशक शायद एक अखबार में छपी उस खबर का हवाला दे रहे थे जिसमें कंगना को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि उन्होंने मजीदी की फिल्म में अपना किरदार दबोचा कर काम करने से इनकार कर दिया था। मजीदी ने कहा, मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने कभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी कि उन्होंने क्या कहा। मैं सोचता हूं मैं अभी यह कह सकता हूं। इस फिल्म के संबंध में हमने कुछ मुलाकातें की, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह सही नहीं है कि उन्होंने फिल्म करने से मना किया था। निर्देशक ने भविष्य में कंगना के साथ काम करने की उम्मीद जताई। वहीं दीपिका पादुकोण के बारे में निर्देशक ने कहा कि वे अभिनेत्री से काफी प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देना स्वीकार किया था। अभिनेत्री एक बड़ी फिल्म में काम कर रही थी जिसकी वजह से शेड्यूल की दिक्कत हो गई। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को भी इस फिल्म के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन यहां भी शेड्यूल की समस्या आ गई।